दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एनाटॉमिस्ट किस टाइप्स के क्वेश्चन अराइज करता है, ये हम लोगों ने देख लिया। मीन्स हम लोगों ने एक एग्जामिनर का फुटप्रिंट समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिक स्टडी। तो हम लोग आज देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन बॉडी में कितने होते हैं, 206 होते हैं। जो बोन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था स्केल्टन, स्केल्टन स्केल्टन होता क्या है, ये बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मीन्स एक ढांचा प्रोवाइड करता है। बोन और कार्टिलेज से मिलके हमारी बॉडी का क्या होता है, एक ढांचा तैयार होता है। बोन एंड कार्टिलेज, ये दोनों मिलके हमारी बॉडी का ढांचा तैयार कर, इस पे हम लोग पूरा डिस्कस पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं स्केल्टन। स्केल्टन की स्टडी, स्केल्टन को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या ग्रुप्स का नाम है, ए हो गया एक्जियल स्केल्टन, स्केल्टन। दूसरा क्या हो गया, अपेंडिकुलर स्केल्टन। ये क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन कैसे, नहीं पहले समझ लेते हैं। एक्जियल स्केल्टन क्या होता है, जो बॉडी को एक्सेस प्रोवाइड करता है, दैट इज एक्जियल स्केल्टन। और अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर क्या होता है, जो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब होता है उसको उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केल्टन। तो हम लोग देखते हैं एक्जियल स्केल्टन में क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, पार्ट ऑफ एक्जियल स्केल्टन, ऐसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देख लेते हैं एक्जियल स्केल्टन के कौन कौन से पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल पहला दे सकता है स्कल, के यू स्कल दे सकता है। दूसरा दे सकता है रिप्स, तीसरा दे सकता है स्पाइन, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम, ये स्किप कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, फोर्थ दे सकता आल ऑफ एबव, आल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या हुआ, आल ऑफ एबव इज राइट आंसर। इस तरह से क्या कर सकता है, क्वेश्चन अराइज कर सकता है। इसमें हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनाटॉमी के अंदर अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अब लगेगा 206 बोन तो सबको पता है, तो 206 बोन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा, तो इसमें पार्ट कौन कौन से आते हैं, स्कल आते हैं, रिब्स आता है, स्टर्नम आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, और आता है हाइड बोन आता है। स्कल में टोटल कितने बोन होते हैं, 29 28 + 1 हाइड बोन, ठीक है। अभी हम लोग पूरा इस पर डिस्कस करते हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ बोन कितने हो गए, 206 अपर लिम्ब में टोटल बोन्स कितने हो गए, 64। लोअर लिम्ब में कितने हो गए, 62। अपर लिम्ब में 64, लोअर लिम्ब में 62। वर्टिब्राई कितने होते हैं, 26 इन ब्रैकेट 33। पिछले वीडियो में हमने बताया था क्यों 33 लिखा, अभी इस वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। 33 किस में होते हैं, चिल्ड्रेन में, चाइल्ड्स में 33 होते हैं। क्यों, क्योंकि जो 5 लंबर वर्टिब्रा होती है उसके नीचे 5 सैक्रल होती है, 5 कॉकिक्स होती है, 4 कॉकिक्स होती है, सॉरी 5 सैक्रल और 4 कॉकिक्स लिख देते हैं। सैक्रल कितने हो गए, सैक्रल
फाइव और कॉकिक्स कितने हो गए फोर। ये क्या होती है, फ्यूज कर जाती हैं। जब फ्यूज करेंगी तो सैक्रल एक बन जाएगी, कॉकिक्स एक बन जाएगा, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी हो गई, एडल्ट में वन सैक्रल हो गया और वन कॉकिक्स, वहीं बच्चे में क्या हुआ, फाइव सैक्रल हो गया फोर कॉकिक्स, क्योंकि वो बोन फ्यूज नहीं की जाती है। अभी डिटेल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। स्कल में टोटल बोन्स कितना हो गया 29, जिसमें फेशियल 14 है, क्रैनियल 14 है, और हाइट बोन कितना है एक है। रिब्स कितने हो गए 24, स्टर्नम कितना हो गया 1, स्कल में हमने लिखा है 28 प्लस 1, 1 क्या हो गया हाइट बोन। क्लियर, अभी हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। अब हम लोग ये टोटल बोन्स कितने हो गए, ये सबको जब हम लोग काउंट करेंगे, एक बार आप लोग काउंट कर लें, ये जब पूरा टोटल काउंट कर रहे हैं तो कितनी हो रही है 206। क्लियर, और यहीं पे जब इसको हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 6, 7, 13 213, बच्चों में कितनी बोन्स हो जाते हैं 213। अब हम लोग फेशियल बोन की बात कर लेते हैं। फेशियल बोन को मैं खुद, एक ट्रिक मेरा खुद का है, मैंने खुद इसको बनाया है। क्या ट्रिक है फेशियल बोन को याद करने का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा नहीं ले जाएगी। एग्जाम का समय है, पूजा को एग्जाम देना है, बट पूजा क्या कर रही, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है उसको नहीं ले जा रही है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा नहीं है। बी से क्या हो गया, बोमर हो गया, बोमर कितना होता है 1। अभी समझ लीजिए, बोमर कितना हो गया 1, मोस्ट से यम से क्या हो गया मैंडिबल 1 हो गया, इंपॉर्टेंट से क्या हो गया इंफीरियर, आई से इंफीरियर नेजल कोंचा 2 हो गया, यम से क्या हो गया मटेरियल, मींस शुरुआत के जो दो है भेरी भूमर और मैंडिबल, वो कितना मैंडिबल, मैंडिबल कितना हो गया 1 हो गया, मैंडिबल और भूमर 1 हो गया, इंफीरियर नेजल कोंचा कितने 2 होती है, या मटेरियल से क्या हो गया मैग्जिलाई कितनी होती है 2 होती है, पी से पूजा, पी से पैलेटाइन, पैलेटाइन कितनी होती है 2 होती है, पी ए ले लिया, यम ले लिया, आई ले लिया, यम ले लिया, वी ले लिया, पी से क्या हो गया पैलेटाइन हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, यन से क्या हो गया नेजल बोन कितनी होती है 2 होती है, यल लैक्रिमल बोन कितनी होती है 2 होती है, और जाइगोमेटिक कितनी होती है 2 होती है। क्वेश्चन क्या एराइज हो सकता, हाउ मेनी जाइगोमेटिक, हाउ मेनी नेजल बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो दे दिया 1, 2, 3, 4, तो कितनी नेजल बोन होती है 2 होती है। क्लियर, इस तरह ऐसे क्वेश्चन एराइज कर सकता है, एग्जाम में कुछ भी एराइज कर सकता है, ऐसे भी एराइज कर सकता है। क्रैनियल बोन की बात करते हैं, तो ये एक ट्रिक हो गया याद करने का, ये ट्रिक मैं खुद सर्च किया था, खुद बनाया था। क्रैनियल बोन कितनी होती है 14, अभी हम लोगों ने फेशियल बोन कितने थे, ये भी 14 थे, फेशियल बोन 14 होते हैं। हाउ मेनी फेशियल बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी 14, हाउ मेनी क्रैनियल बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी 14, क्रैनियल बोन भी 14 होते हैं और फेशियल बोन भी 14 होते हैं। तो क्रैनियल बोन को याद करने का क्या तरीका अपनाए थे, मिस MIS मिस तानिया पूजा से फास्ट ऑब्जर्व करती है। अब इसको याद करने का मैलस, अब ये जो तीनों बोन है मैलस, यम से मैलस, आई से इनकस, यस से स्टेप्स, ये क्या ईयर ऑसिकल्स के बोन है, किसके बोन्स है ईयर ऑसिकल्स के, मैलस इनकस स्टेप्स किसके बोन्स है ईयर के बोन है। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेप्स है। क्लियर, वहीं पे पूछ दिया लॉन्गेस्ट, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, कम चांस है एराइज होने का, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी, बस आप लोग एक बार देख सकते हैं लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है, फीमर, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बॉडी की, फीमर है, बोन ऑफ बॉडी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी ह्यूमन बॉडी। तो अब हमने देखा मैलस कितनी होती है 2,
एक साइड एक दूसरे साइड एक, टू मैलस टू इंकस टू स्टेप मिस, क्लियर हो गया। यम से मैलस, आई से यम से मैलस, आई से स्टेप, यस से आई से इनकस, यस से स्टेप्स, क्लियर। तानिया टी उठा लीजिए, टी से टेम्पोरल दो, पी से पेराइटल दो, ए पी पूजा, पी से पेराइटल दो। अब देखिए यहां से लिखा, से को दोनों हमने कैपिटल में कर दिया, मींस एक एक। यस से स्फेनॉइड, ई से इथमाइड, स्फेनॉइड कितना होता है एक होता है और इथमाइड कितना होता है एक होता है। फास्ट यप से क्या हो गया फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन कितना होता है एक होता है। ऑब्जर्व ओ से के कितने बोन होते हैं एक होते हैं। और करती है के को छोड़ दीजिए, कैसे के को छोड़ दिया, यच जो है हाइड बोन है, नॉट ए क्रैनियल बोन का पार्ट नहीं है। हाइड बोन एक अलग से स्कल का पार्ट है, ना कि क्रैनियल बोन का, क्लियर। हाइड बोन वन होता है, ये होता है स्कल का पार्ट होता है, क्लियर। अब हम लोग नीचे चलते हैं, अब देख लेते हैं फेशियल बोन कितने थे 14, क्रैनियल बोन कितने थे 14, हाइड बोन कितने थे 1, टोटल बोन स्कल के कितने हो गए 29, क्लियर। अब यहीं पे एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है उस पे हमने नोट कर लिया, हाइड बोन कहां सिचुएटेड होता है, C3 जो होता है, C1 C2 C3 मीन सर्वाइकल 3 के जस्ट आगे, और मैंडिबल जो ये मैंडिबल इसके जस्ट पीछे यू शेप में होता है। जब किसी व्यक्ति को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मर्डर के केस में जब इसको गले को प्रेस किया जाता है तो हाइड बोन क्या होता है फ्रैक्चर हो जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है तो वहां क्लियर होता है कि हाइड बोन फ्रैक्चर है, मींस इसका गला दबा के इसको मारा गया है, क्लियर। स्ट्रांगुलेशन के केस में जब गला दबा के पेशेंट का अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो उसमें क्या होता है हाइड बोन फ्रैक्चर कर जाते हैं। फ्रैक्चर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं फ्रैक्चर ऑफ हाइड बोन। अब हम लोग आते हैं रिप्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। टोटल रिप्स कितनी होती हैं 12 पेयर रिप्स होती हैं, एक साइड 12 दूसरे साइड 12, ये जुड़ा किससे होता है मेनुब्रियम से, बट कुछ ऐसे रिप्स हैं जो कि मेनुब्रियम से नहीं जुड़े होते। मेनुब्रियम के कितने पार्ट, सॉरी स्टर्नम, स्टर्नम सॉरी सॉरी ये जुड़े किससे होते हैं स्टर्नम से। स्टर्नम के कितने पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेनुब्रियम, दूसरे पार्ट को बोलते हैं बॉडी, तीसरे को बोलते हैं जिफाइड, क्लियर। अब ये जो रिप्स हैं 12 पेयर जो रिप्स हैं दोनों साइड, वो किससे जुड़े होते हैं स्टर्नम से, बट कुछ ऐसे रिप्स हैं जो कि जुड़े नहीं होते, फ्लोटिंग रिप्स होते हैं, तो उनको रिप्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू रिप्स, वो रिप्स जो जो कि स्टर्नम से जुड़े हैं, दैट इज ट्रू रिप्स स्टर्नम। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, स्टर्नम इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, मैं पिछले वीडियो में बताया था वैसे नर्व जिसका, जैसे म्यूजिशियन नर्व क्वेश्चन पूछा था कौन सी होती है अल्नर नर्व होती है, वैसे ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं स्टर्नम को। कॉलर बोन किसको कहते हैं अभी मैं बताऊंगा, कॉलर बोन कहते हैं क्लेविकल को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे कॉलर बोन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के एराइज हो सकते हैं, कॉलर बोन आल्सो नोन एज क्लेविकल आल्सो नोन एज कॉलर बोन, ठीक है। तो अब हमने देखा ट्रू रिप्स, ट्रू रिप्स कौन कौन से थे, 1 से 7 तक जो रिप्स होते हैं वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं, दैट इज ट्रू रिप्स। फॉल्स रिप कौन से होते हैं 8 से 14 जो 8 से 12 जो होते हैं वो फॉल्स रिप्स होते हैं, जिसमें फ्लोटिंग रिप्स जो हैं जो फ्लोट करते हैं वो कौन से 11 और 12 फ्लोटिंग रिप्स हैं। क्वेश्चन एराइज हो सकता है यहां से, काफी चांसेज है, तो अब हम लोगों को क्या करना है
ट्रू रिप्स याद कर लेना, ट्रू रिप्स कौन से, एक से सात तक ट्रू रिप्स, आठ से बारह तक फॉल्स रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स कौन से, ग्यारह और बारह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉल्स रिप्स का एक पार्ट है। अब वेस्टिब्रोक कॉन्ड्रियल रिप्स कौन से होते हैं, आठ नौ दस जो होते हैं वेस्टिब्रोक कॉन्ड्रियल रिप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं वर्टिब्रा से, टोटल वर्टिब्रा कितनी होती है, 26 होती है इन एडल्ट, इन चिल्ड्रन कितनी होती है, 33, जो अभी मैं डिस्क्राइब किया। 33 क्यों होती है, जो सैक्रल वर्टिब्रा होती है वो पांच होती है बच्चों में, और जब फ्यूज कर जाती है तो सिंगल बन जाती है एडल्ट में। वही कॉकिक्स क्या करती है, पांच वर्टिब्रा होती है, चार वर्टिब्रा कॉकिक्स की होती है जो फ्यूज करती एक सिंगल वर्टिब्रा बना लेती है। मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए। सर्वाइकल कितना होता है, 7, एडल्ट में भी 7, बच्चों में भी 7। थोरेसिक एडल्ट में कितना होता है, 12 होता है, बच्चों में कितना होता है, 12 होता है। लंबर बच्चों में कितना होता है, 5 होता है, और एडल्ट में भी 5 होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं बट सैक्रल बच्चों में कितना होता है, 5 होता है, और एडल्ट में कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये जो पांचों बोन होती हैं, 1 बोन 2 बोन 3 बोन 4 बोन 5 बोन, ये क्या करती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, और फ्यूज करके एक सिंगल बोन बन जाती है, दैट इज सैक्रल बोन एडल्ट में। और वही कॉकिक्स क्या होता है, ये 4 बोन होती हैं, 1 2 3 4, और एक क्या करती है, फ्यूज कर जाती है और बन जाती है सिंगल बोन, तो कितने हुए, 26। क्लियर। C1 का नाम जो है सर्वाइकल, सर्वाइकल 1 का क्या नाम है, एटलस नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। C1 का आल्सो नोन है एटलस, क्यों, क्योंकि इसमें स्पाइन नहीं होता और बॉडी नहीं होती, इस वजह से C1 का क्या नाम है, एटलस नाम है। एक बार आप लोग देख लें क्या बॉडी होता है क्या कि नहीं, मेरे पास जो एस्ट्रोलॉजी थी उसमें ऐसा लिखा था बॉडी नहीं होती, बट मैं कहीं पे पढ़ा था कि सिर्फ स्पाइन नहीं होता, एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लें, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, C1 का नाम, इसका नाम क्या है, एटलस, और C2 का नाम क्या है, एक्सिस नाम है। क्लियर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, एक जीएल स्केल्टन को स्टडी कर रहे थे, अब हम लोग स्टडी करेंगे अपेंडिकुलर स्केल्टन को। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखें, लास्ट में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में। अपेंडिकुलर स्केल्टन, अपेंडिकुलर स्केल्टन को दो भाग में डिवाइड किया गया, पहला अपर लिम और शोल्डर गर्डल, दूसरा लोअर लिम और पेल्विक गर्डल। तो शोल्डर गर्डल में क्लेविकल या फिर ये देखिए मैंने लिखा कॉलर बोन कितना होते है, एक साइड देखते हैं तो एक होता है, बट दोनों साइड देखते हैं तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है 2 होता है, बट एक साइड देखते हैं तो 1 होता है। स्कैपुला कितना होता है, एक साइड की स्टडी करते हैं तो 1 होता है, दोनों साइड की स्टडी करते हैं तो 2 हो जाता है। ह्यूमरस 1 साइड हम लोग स्टडी सिर्फ कर रहे हैं, एक साइड बॉडी का ह्यूमरस बॉडी में कितना होता है, 2 होता है, बट एक साइड देखते हैं तो 1 होता है, तो इसको हम कंफ्यूज आप लोग ना करें, इसलिए 2 करते जाते हैं, इसको भी 2 करते जाते हैं, अल्ना 2 रेडियस 2। कार्पल बोन एक साइड 8 होता है, दूसरे साइड 8 होता है, तो कार्पल बोन की स्टडी जो हम लोग करते हैं एक 2 रो में होता है, कैसे होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक होता है प्रॉक्सिमल रो, दूसरा होता है डिस्टल रो, डिस्टल रो। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया था, सुनो लता तुम प्यार तो टाइगर से करना चाहती हो, ये ट्रिक मैं बनाया था, पढ़ते समय बना लिया था, वो आज भी मेरे नोटबुक में लिखा था, तो मैं सोचा आप लोगों को भी याद करवा दूं। सुनो लता, तो यस से क्या हो गया, इसके 5, एल से क्या हो गया, ल्यूनेट, ट्री से ट्राइक्यूट्रल, पी से पीसीफार। इसके 5, सुनो लता, एल से ल्यूनेट, ट्री से
ट्राइकेट्रल, पी से पीसीफार्म तुम प्यार, ठीक है। तो ट्री से ट्रेपीजियम, फिर यहां टी से ट्रेफेजॉइड, और से करना हटा दीजिए, सी से कैपिटेट, एच से हैमेट, ऐसे मैं याद करता। मेटाकार्पल एक साइड कितना होता है, पांच होता है, दूसरे साइड भी पांच होता है, पांच पांच यहां पे लिख दिए, और 14 + 14 = 28, 14 दोनों साइड। मेटाकार्पल कितना होता है, फाइव होता है। मेटाकार्पल क्या होता है, कार्पल और फैलेंजेस के बीच में जो बोन होती है, दैट इज मेटाकार्पल। फैलेंजेस कितने होते हैं, 14। क्लियर, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल और एंड लोअर लिम्ब, ये छोड़ दिए, ये लिखना चाहिए था, पेल्विक गर्डिल एंड लोअर लिम्ब। टोटल बोन्स इसमें कितने होते हैं, 62। पेल्विक गर्डिल में देखते हैं हिप बोन कितना होता है, 2 होता है। फीमर कितना होता है, 2 होता है। पटेला कितना होता है, दोनों साइड देखते हैं 2 होता है। टीबिया कितना होता है, दोनों साइड 2, एक साइड 1, एक साइड 1, 2 टीबिया। ए फिबुला हो गया, फिबुला, फिबुला कितना होता है, 2 होता है। टार्सल बोन, टार्सल बोन 2 रो में होता है, पहले रो को बोलते हैं प्रॉक्सिमल और दूसरे को क्या बोलते हैं, डिस्टल। वही सेम चीज जो अपर लिम में था। तो प्रॉक्सिमल में क्या होता है, 2 बोन्स होती हैं, एक होता है टैलस, दूसरा होता है कैल्केनियस। फिर डिस्टल में क्या होता है, डिस्टल में बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे टार्सल बोन टोटल होती कितनी है, टार्सल बोन टोटल होती है 5 होती है, एक टैलस हो गया, एक कैल्केनियस हो गया। डिस्टल रो में क्या होता है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म हो गया, फिर क्या हो गया, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, फिर क्या हो गया, लैटरल क्यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर। फैलेंजेज में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 5 बोन्स होती हैं। मेटाकार्पल में कितनी बोन होती हैं, 5 होती हैं। टॉर्सल एक कहां होता है, टॉर्सल एंड फैलेंजेज के बीच में। टोटल फाइलेंजेज कितनी होती है, 14 होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखना है, एक सेकंड, जस्ट मुझे लगा है टार्सल बोन 5 नहीं, टोटल होती है 7, सॉरी ये कंफ्यूजन हो गया, दोनों साइड साथ साथ होती हैं, तो टोटल कितना हो गया, टार्सल टैलस, इसको बोलते हैं टार्सल बोन, इसको बोलते हैं टैलस और एक कैल्केनियस। प्रॉक्सिमल बोन होता है टैलस और कैल्केनियस, ठीक है, टैलस और कैल्केनियस। लेटर क्यूनिफर और एक चीज छूट गया था, लेटर क्यूनिफर और क्यूबॉइड, ठीक है। इसको एक बार आप लोग कंफर्म अपने खुद देख लें, बुक देख लें, टार्सल बोन टोटल होती है 7, ठीक है। मुझे याद था, लगा है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने 5 लिख दिया, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा बुक से। अब हम लोग स्टडी करेंगे जो मेरा ट्रिक है। फैलेंजेस कितनी होती है, 14। बेस जो प्रॉक्सिमल होता है उसको बोलते हैं बेस, जो मीडियल में होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट, और जो हेड होता है उसको बोलते हैं डिजिटल, जो होता है उसको बोलते हैं हेड। क्लियर। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं क्रैनियल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैनियल नर्व को याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया था, वो देख लेते हैं, वो ट्रिक क्या है। ये मैंने नहीं बनाया था, इसमें मैं कुछ संशोधन किया था, ये बनाया था मेरा एक फ्रेंड ने, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे ये ट्रिक बताया था, बट इसमें मैंने कुछ क्या किया, कुछ अपना इसमें न्यू ऐड कर दिया। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ओल्ड आउल ऑन द ट्री एब्डुसेंट फॉर वेरी गुड वॉइस एट होम। ओल्ड आउल ऑन द ट्री एब्डुसेंट फॉर वेरी गुड वॉइस एट होम। अब देखते हैं ओ से क्या हो गया, ओ से अल्फेक्टिव, फिर ओ से ऑप्टिक, ओ से अक्लोमोटर, चलते जाइए, ट्री से ट्रकलियर,
ट्री से ट्राइजेमाइनल, ये मुझसे छूट गया, ये अभी नोट कर लेते हैं, ट्राइजेमाइनल। देखिए एक ट्रिक की वजह से आज भी मुझे याद, ट्राइजेमाइनल माइनल सिक्स क्या हो गया, एब्डुसेंट हो गया। यब से क्या हो गया, फेसियल। बी से वेस्टिबुलो कॉक्लियर। जी से ग्लॉसोफेरेंजियल। फिर भी से वैगस। ए से एसेसरी और यस से हाइपोग्लोसर। पूछ सकता है एट नेम ऑफ एट नर्व, एट एट क्रेनियल नर्व का क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किसको सप्लाई देती है, इस पे तो हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो हम अभी सिर्फ ये समझते हैं कि ये तो हमने ट्रिक दे दिया, ओल्ड आउल ऑन द ट्री, ट्री एब्डुशन फॉर वेरी गुड वाइफ एट होम। तो इसे ओ से ऑल्फैक्टरी, ओ से ऑप्टिक, ओ से ऑक्युलोमीटर, ट्री से ट्रोक्लियर, ट्री से ट्राइजेमाइनल, एफ से एब्डुशन, एफ से फेसियल, वी से वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जी से ग्लॉसोफेरेंजियल, वी से वैगस, ए से एसेसरी और यस से हाइपोग्लोसर। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे अराइज कर सकता है, फिफ्थ क्रैनियल नर्व का क्या नाम है, ट्राइजेमाइनल। सेवंथ क्रैनियल नर्व कौन सी है, विच ऑफ द क्रैनियल नर्व, नेम ऑफ फिफ्थ क्रैनियल नर्व। ऑप्शन दे सकता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्युलोमीटर, ऑक्युलोमीटर और फिफ्थ पूछा है तो ट्राइजेमाइनल पूछ सकता है। सेवंथ पूछ सकता है तो उठा के दे दिया वन टू थ्री फोर ऐसे लिख दिया और इसमें दे दिया सेवंथ क्रैनियल नर्व का इसमें कौन सी है, तो हमें कौन सी सेवंथ क्रैनियल नर्व है, फेसियल नर्व, याद कर हो जाएगा इजीली, ऐसे हम लोगों को याद कर लेना। लास्ट में हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे, पहला फॉल्स रिप कौन सी है, ट्रू रिप्स कौन कौन सी है ये आप लोग देख लें, फ्लोटिंग रिप्स कौन कौन सी है ये देख लें, कॉलर बोन किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं ये देख लें। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, स्टडी कर लेना है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।